हेलो भाई आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी शेयर्स में गई इस नए वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं नगर जोना फर्टिलइजर्स शेयर्स कैप आउट गए जैसे स्टॉक का आज के दिन में क्वार्टर फोर के नतीजे आने थे और कंपनी ने जो है क्वार्टर फोर के नतीजे पब्लिश कर दिए तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिरकार कंपनी की परफॉर्मेंस जो है यह कैसी है कैसी परफॉर्मेंस रही है कैसी क्वार्टर फोर्ट का रिजल्ट रहा है पूरे विस्तार से देखने वाले हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली देखिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे से कोई भी वी वीडियो डल गई सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए गाइज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉप टॉप लेवल के स्टॉक से रिलेटेड अपडेट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ और खास करके मैं आप लोगों के लिए ऐसे जोरदार धमाकेदार मजेदार पेन स्टॉक ढूंढ करके ला करके देता होगा जिसका स्टॉक प्राइस जो है एक से कम या एक रूपये के आसपास तो फोर के रिजल्ट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से गाइज हमारी जो बनाने की प्रोत्साइज बढ़ती है तो वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा तो गायज यहाँ पे देख लीजिए हम लोग आ चुके हैं नगर जुना फर्टिलाइजर्स के क्वार्टर फोर वाले नतीजे के पेज पे और यहाँ पे देखोगे तो आपको सबसे पहले कंपनी का ऊपर नाम दिख जाएगा नगर जुना ग्रुप नगर जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बहुत ही बेस्ट स्टॉक है इस पर स्टॉक है लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है वो हम लोग देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगा ट्वेंटी नाइन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और यहाँ पे सब्जेक्ट में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग यानी कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग रखी गई थी और कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है यानी कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट से रिलेटेड ये रखा गया था यहाँ पर अगर टाइम देखोगे तो देखिए साढ़े बजे इनकी बोर्ड मीटिंग जो है खत्म हुई है उसके बाद अगर गाई यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए ट्वेंटी पेजेस में जो है क्वार्टर फोर के नतीजे जारी किए गए ट्वेंटी पेजेस में और दूसरे पेज पर अगर आप पाओगे तो दूसरे पेज में आपको दिखेगा यहाँ पे ऊपर स्टैंडर्ड अलोन ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और यहाँ पे कॉर्नर में ऊपर आपको दिखेगा रुपीज इन लेक्स यानी कि जो भी अमाउंट रकम की हम लोग बात करेंगे और लैक्स में रहेंगे करोड़ों में नहीं ये पहले ही ऊपर फाइनल कर दिया गया है ठीक है और हम लोग जो ये नतीजे हैं तीन कॉलम में डिवाइड करके देखने वाले हैं यानी कि तीन कॉलम को जो है हम लोग बांट के देखने वाले हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है तो मैं तब आपको बता दूं कि देखिए ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है ये देखिए ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ देखिए ये फर्स्ट वाले कॉलम इसमें अभी के क्वार्टर फोर के नतीजे एंड सेकंड कॉलम में पिछले क्वार्टर फोर पिछले क्वार्टर रिजल्ट के यानी कि दिसंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट के नतीजे हैं और थर्ड वाले कॉलम में पिछले साल के के क्वार्टर नतीजे हैं ठीक है तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी की टोटल इनकम की यानी कि कंपनी की टोटल आमदनी क्या हुई है कमीनी क्या हुई है टोटल इनकम क्या हुआ है तो आप देख लीजिए कि यहां पर कंपनी को टोटल इनकम इकतालीस हजार पचासी रुपए का जो पिछले क्वार्टर में कंपनी को टोटल इनकम कम हुआ था तैतालीस हजार तीन सौ बिरानवे लैक्स का अगर पिछले साल के क्वार्टर फोर का बात करें तो देखिए कंपनी को पिछले साल के क्वार्टर फोर में तैतालीस हजार तीन सौ पच्चीस लैख का बिजनेस हुआ था यानी कि अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस देखो या प्रॉफिट या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखो कंपनी की जो बिजनेस है करीबन दो हजार लैख्स जो है कंपनी का बिजनेस यहाँ पर आपको कम होते हुए दिखा है ठीक है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले जो है कंपनी का बिजनेस अभी आपको कम आते हुए दिखा ये हो गया बिजनेस से रिलेटेड ठीक है अभी देखेंगे कि कंपनी का टोटल खर्च कितना हुआ है रुपए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिख जाएगा कि टोटल एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी की टोटल पैसे कितने खर्च हुए तो आपको दिखेगा कि इकसठ हज़ार पैंतीस लाख रुपए जो है कंपनी ने टोटल खर्च किया है जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बावन हज़ार सात सौ बयालीस लाख रुपए खर्च किए थे और पिछले साल के क्वार्टर फोर का बात करोगे तो देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी ने उनसठ लाख रुपये मतलब जो है खर्च किए थे यानी कि अगर आप खर्च देखने जाते हो तो देखिए कम आमदनी होने के बाद कम इनकम होने के बावजूद भी यहां पे कंपनी यानी कि अपने अवकाश से ज्यादा खर्च कर रही है यानी कि जितनी की कमाई ना उतने की पे खर्च यानी कि कहावत है ना कि जितने का खाना नहीं उतने का खिलाओना ठीक है तो ऐसा मैटर है पे कि कंपनी की जितनी आपको बता दो की जितनी यहां पर आमदनी नहीं हुई है यानी कि जितनी कमीनी नहीं हुई है उससे ज्यादा कंपनी यहां पर खर्च कर रही है पिछले साल यहां पर बात करोगे पिछले साल के क्वार्टर का का रिजल्ट का या पिछले रिजल्ट का तो देखिए कंपनी ने बावन हजार या उनसठ हजार खर्च किया तो कंपनी का उस प्रकार से कमी नहीं भी हुआ था लेकिन यहां पे आप देखो तो कंपनी एक तो पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले भी और पिछले क्वार्टर फोर के मुकाबले भी क्वार्टर रिजल्ट के मुकाबले भी कंपनी ने बिजनेस यहाँ पे कम दिखाया है लेकिन खर्च जो है बहुत ज्यादा दिखा रहा है ठीक है तो ये देखिए चलिए खर्च का तो अलग बात हो गया लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली नज़र डालते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पे तो गाइज ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए बहुत ही ध्यान से समझनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसको देखिए आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रॉफ़िट लॉस फॉर द पीरियड यानी कि आप देखोगे तो कंपनी का यहाँ पर करीबन इक्कीस हज़ार आठ सौ निन्यानवे लैक्स रुपये का लॉस हुआ है कितना इक्कीस हजार आठ सौ निन्यानवे लाख रुपए का कंपनी को लॉस हुआ है जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ आठ हज़ार छः सौ पाँच लाख का लॉस हुआ था और पिछले साल के क्वार्टर फोर का बात करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि कंपनी को पिछले साल के क्वार्टर फोर में चौदह हज़ार सात सौ बासठ लाख रुपए का लॉस हुआ था ठीक है यानी कि कंपनी लॉस में ही आ रही है लेकिन सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी पॉइंट सबसे बड़ी टर्न पॉइंट ये है कि कंपनी की जो लॉस है पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा है अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर बात करोगे तो कंपनी की करीबन तीन गुना ज़्यादा लॉस जो है यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कंपनी के पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले तो करीबन आपको करीबन हम लोग बोल सकते हैं कि डबल यहाँ पर लॉस बढ़ते हुए दिखा है ठीक है तो देखिए कंपनी जो है पिछले स... क्वार्टर रिजल्ट के और पिछले साल के क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट के मुकाबले इस क्वार्टर में जो है बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया है बहुत ही भयानक प्रदर्शन किया है और आपको बता दूँ कि आने वाले दिनों में यानी कि जब ट्रेडिंग डे कल से चालू होगा तो इससे स्टॉक में भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा इस बहुत ही भयानक गिरावट देखने को मिलेगा लेकिन मैं फिर भी आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस स्टॉक के इस शेयर होल्ड स्टॉक के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए केमिकल इंडस्ट्री का कमी है ये स्टॉक है और आपको बता दूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए आज ना कल कल ना परसों कंपनी की जो हालात है वो सुधरेगी हाँ सुधरेगी ही और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी लेकिन अगर आपने इसे शॉर्ट टर्म में और सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए इसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप प्रॉफिट में रहो तो सुनिएगा ध्यान से अगर आप प्रॉफिट में रहो तो आप यहाँ पे कल अगर का मिले तो आप अपना सिर्फ एसेट्स का पैसे निकाल के यानी कि पूंजी जो लगाए हो आप उस पूंजी का पैसे निकाल के आप इसके साथ में चल सकते हो स्टॉक के साथ में लेकिन फिर भी देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ मैं मेरा सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट रख रहा हूँ बाकी जो फाइनल डिसीजन है आप अपना खुद का एनालाइज करके लीजिएगा खुद लीजिएगा क्यों क्योंकि देखिए आपके पैसे हैं रिक्स आपके हैं तो गाइज हक लेना यानी कि डिसीजन लेना भी आप ही का हक बन रहा है ठीक है तो देखिए आप सबका वीडियो देखिए मेरा भी देखिए और किसी का एनालाइज देखिए और किसी का राय भी चल लीजिए लेकिन फाइनली जो है आप अपना डिसीजन लेके ही कोई भी बाइंग या सेलिंग कीजिएगा ठीक है मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए लेकिन आप अपना ही डिसीजन लीजिएगा गाइज क्योंकि देखिए आपके पैसे लगे हुए पूरे के पूरे रिक्स आपकी है अभी हम लोग गाइज़ यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखोगे तो एक रुपये फेस वैल्यू रखा गया एंड बेसिक एंड रिलेटेड देखोगे तो तीन रुपये छियासठ पैसे माइनस में रखा गया है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग कंपनी की टोटल एसेट देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे ये तो देखोगे तो आपको दिमाग आपका जो है दिमाग चकरा जाएगा कि पिछले साल के क्वार्टर फोर में कंपनी के पास टोटल चार लाख यहाँ पे देख लीजिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि कंपनी के पास टोटल चार लाख ये यहाँ पे दिख रहा है एक हज़ार आठ सौ बहत्तर लैक्स का टोटल यहाँ पे कंपनी के पास पूंजी थी यानी कि एसेट्स था जो अभी घट के दो लाख छियासठ हज़ार चार सौ गए यानी कि कंपनी के टोटल एसेट्स है या जो पूंजी है उसमें भी आपको बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है ठीक है तो फुल एंड फाइनली एकदम डायरेक्टली बोल सकते हैं कंपनी की जो प्रदर्शन रही है कॉटर फोड़ के नतीजे रहे हैं वो बिल्कुल ही सही नहीं है और आपको बता कि डिविडेंट बोनस ऐसा कुछ भी कंपनी पे नहीं कर रही है ठीक है क्योंकि देखिए कहाँ से पे करेगी यार कंपनी के यहाँ पे मतलब जो है प्रदर्शन इतना ख़राब है तो पे कहाँ से करेगी ठीक है तो देखिए बहुत ही केयरफुली बहुत ही सावधानी पूर्वक आप ट्रेडिंग करिए स्टॉक के साथ में चलिए और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप जो है चल सकते हैं आँख बंद करके इस स्टॉक के साथ में क्योंकि देखिए केमिकल स्टॉक केमिकल केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और बहुत ही मज़ेदार स्टॉक है ठीक है तो क्या वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा किसी भी प्रकार का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तब तक के लेकर बोलना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में